हेलो दोस्तों, स्टडी गो विद जीनत में आपका स्वागत है। मैं हूँ जीनत और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रेस जुडिकाटा के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्व न्याय या फिर प्राण न्याय, जो कि आपके सीपीसी के सेक्शन 11 में इस्टेब्लिश किया गया है। और इस सेक्शन में टोटल 8 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं जो कि रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और इस चीज़ को आज इस वीडियो में हम केस लॉस के साथ डिस्कस करेंगे। रेस जुडिकाटा का ऑब्जेक्टिव कहाँ कहाँ पर ये अप्लाई होता है और कौन से इसके इम्पोर्टेंट मैक्सिम्स हैं, उन सबको आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि रेस जुडिकाटा को हिंदी में कहते हैं प्राण न्याय। और अगर हम बात करें रेस जुडिकाटा के ओरिजिन की, तो दोस्तों ये लैटिन ओरिजिन है, मतलब इसका, क्योंकि ये लैटिन लैंग्वेज से उत्पन्न हुआ है रेस जुडिकाटा टर्म, जिसका मतलब होता है जज्ड मैटर। यानी कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, जैसे कि ये ए है और ये है बी, इनके बीच में डिस्प्यूट चला किसी पर्टिकुलर लैंड के टुकड़े को लेकर कि भाई ये लैंड या तो ए का है या तो बी का है। और यहाँ पर ए के बाल बच्चे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव सब हैं। मान लो ये एक्स, ये एस हो गया, ये आर हो गया, और बी के बच्चे हैं, बाल बच्चे, लीगल है, और सब ये हो गए आपके पी एंड क्यू। अब यहाँ पर एक कोर्ट है एक्स और यहाँ पर एक कोर्ट है वाई। तो भाई जो ये डिस्प्यूट चला ना ए एंड बी के बीच में, इसको ये लेकर गए थे एक्स कोर्ट में। एक्स कोर्ट क्या थी? कॉम्पिटेंट कोर्ट थी इस मैटर को डिसाइड करने के लिए। इसने क्या किया? अब फाइनली इसने निर्णय दे दिया, पूरी अच्छे तरीके से सुनवाई, पूरे प्रोसीजर जो भी था सब कुछ फॉलो करने के बाद इसने फाइनली एक जजमेंट दिया है कि ये जो लैंड है ये किसका है? बी का है। अब जो रेस जुडिकाटा है वो इस चीज के ऊपर बार लगाता है कि सेम सूट को या फिर सेम इशू को जो कि यहाँ पर उठ चुका है और इस कोर्ट ने इसको सुन लिया है और फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड कर दिया है इस कोर्ट ने, अब सेम सूट को सेम पार्टीज या फिर बिटवीन द पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, यानी कि इसके बिहाफ में, ए या बी के बिहाफ में कोई और पार्टी सेम टाइटल में सेम कॉज के लिए सेम सूट को सेम इशू को दूसरे कोर्ट में इंस्टीट्यूट नहीं करेंगी, इसके ऊपर बार लगाता है रेस जुडिकाटा। यानी कि एक सूट जिसको कॉम्पिटेंट, एक इशू जिसको कॉम्पिटेंट कोर्ट ने क्या कर लिया है, सुन लिया है और उसके ऊपर अपना जजमेंट दे दिया है, तो सेम कॉज को दोबारा से नहीं उठाया जाना चाहिए, सेम सूट को सेम इशू को दूसरे कोर्ट में नहीं उठाया जाना चाहिए, ये कहता है आपका रेस जुडिकाटा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रेस जुडिकाटा क्या कहता है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में आपको और अच्छे से मैं बताऊं तो ये कहता है कि भाई एक मैटर जो कि एडजुडिकेट हो चुका है कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, उस मैटर को सेम पार्टीज के द्वारा किसी दूसरे कोर्ट में इंस्टीट्यूट नहीं किया जाना चाहिए, ये कहता है आपका रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल। अब इसके बाद, अब अगर आप सेक्शन 11 पढ़ोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये कि रेस जुडिकाटा क्या कहता है, पूरा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों हम सीधा पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन। पहला एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपने पढ़ा होगा फॉर्मर सूट, तो पहला एक्सप्लेनेशन बताता है कि फॉर्मर सूट कौन सा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दो सूट हैं, एक इंस्टीट्यूट हुआ है इस तारीख को 2012 में, एक इंस्टीट्यूट हुआ है 2013 में। एक सूट तो चल रहा है पेंडिंग में, यानी कि पहले तो दोस्तों ये वाला सूट इंस्टीट्यूट हुआ लेकिन अभी तक इसमें कोई जजमेंट नहीं आया है। अब ये 2000, मतलब पहले तो यहाँ पर 2012 में इंस्टीट्यूट हुआ था तो ये स्टिल पेंडिंग में है। अब ये 2013 में, मतलब एक साल बाद इंस्टीट्यूट हुआ है, लेकिन इसने एकदम से जजमेंट भी दे दिया, 2017 में इसने जजमेंट दे दिया है। यानी कि कहने का मतलब है फॉर्मर सूट वो सूट है जो कि चाहे बाद में इंस्टीट्यूट हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो पहले इंस्टीट्यूट हुआ है या बाद में इंस्टीट्यूट, फॉर्मर सूट वो सूट माना जाएगा जो कि पहले डिसाइड हो चुका है,
जिसमें निर्णय पहले आ चुका है, यानी कि अगर हम पढ़ें अब एक्सप्लेनेशन वन तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यानी कि एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि जो फॉर्मर सूट है वो डिनोट करता है ऐसे सूट को विच हैज बीन डिसाइडेड प्रायर टू द सूट इन क्वेश्चन, जो सूट क्वेश्चन में है वो उससे पहले डिसाइड हो चुका है, भले ही वो पहले इंस्टीट्यूट हुआ हो उससे या फिर बाद में इंस्टीट्यूट हुआ हो। इसके बाद एक्सप्लेनेशन टू ये कहता है कि सेक्शन के पर्पस के लिए जो कोर्ट की कॉम्पिटेंसी है वो डिटरमाइन की जाएगी इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोविजन एज टू राइट ऑफ अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ सच कोर्ट। इसके बाद एक्सप्लेनेशन थर्ड ये कहता है, और जिस फॉर्मर सूट की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन थर्ड ये कहता है कि उसमें ऐसा होना चाहिए कि एक पार्टी के द्वारा क्या होना चाहिए, एक पार्टी के द्वारा मैटर इलेज्ड होना चाहिए और दूसरी पार्टी के द्वारा मैटर या तो डिनाइड होना चाहिए या फिर एडमिट होना चाहिए। वो एक्सप्रेसली भी हो सकता है और इम्प्लाइडली भी हो सकता है। अब नेक्स्ट आपका एक्सप्लेनेशन है एक्सप्लेनेशन फोर्थ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये रेस जुडिकेटा का जो एक्सप्लेनेशन है इसको कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा के नाम से भी जानते हैं। इसमें कहा गया है एनी मैटर विच माइट एंड ऑट टू हैव बीन मेड ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक, यानी कि कोई मैटर जो कि बनाया जा सकता था ग्राउंड डिफेंस का अटैक का फॉर्मर सूट में, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है तो इसको ऐसा माना जाएगा कि भाई ऐसा किया जा चुका है, यानी कि इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अ मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इश्यू इन सच सूट। यानी कि मान लो हुआ क्या कि जो केस है एक केस लड़ा जा रहा है उसमें निर्णय दे दिया है कोर्ट ने, तो यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स भी इसमें उठाए जा सकते थे लेकिन जो ए पर्सन है उसने नहीं उठाए, तो कोर्ट ये मान लेगी कि भाई वो कंस्ट्रक्टिवली क्या थे इशू में थे, यानी कि वो इशू में थे, वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इशू में थे, ऐसे मान लिया जाएगा और वो भी माना जाएगा कि भाई वो मैटर भी क्या हो गए हैं डिसाइडेड हो चुके हैं। तो ये कहता है आपका कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। इस बारे में इस कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का जो ये प्रिंसिपल है इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था एक इम्पॉर्टेंट केस में, वो है यूपी वर्सेस नवाब हुसैन, ये 1977 का केस है। इस केस में कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा के बारे में यही कहा गया था कि भाई जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा होता है उसका मतलब होता है कि भाई जो मैटर क्या हो सकते थे उठाए जा सकते थे लेकिन वो उठाए नहीं गए हैं फॉर्मर सूट में, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि भाई उन मैटर के ऊपर भी डिसीजन आ चुका है, वो क्या थे कंस्ट्रक्टिवली इशू में थे। इतनी बात क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है एक्सप्लेनेशन फिफ्थ। इसमें बोला गया है कि भाई अगर प्लेंट जो होता है ना जिसको हम हिंदी में कहते हैं वाद पत्र, वाद पत्र में अगर कोई रिलीफ क्लेम किया गया है विच इज नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड बाय द डिक्री, डिक्री में उसको ग्रांट नहीं किया गया, एक्सप्रेसली ग्रांटेड नहीं है वो, तो इस सेक्शन के पर्पस के लिए माना जाएगा कि भाई ये जो रिलीफ क्लेम किया गया था प्लेंट में उसको क्या कर दिया जा चुका है रिफ्यूज कर दिया जा चुका है। इसके ऊपर भी क्या अप्लाई होगा आपका रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेनेशन फोर, सॉरी एक्सप्लेनेशन ये है आपका सिक्स। एक्सप्लेनेशन सिक्स में सिंपली आपको पता चलेगा कि रेस जुडिकेटा जो है वो रिप्रेजेंटेटिव सूट के ऊपर भी अप्लाई होता है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है एक्सप्लेनेशन सेवन। इससे आप सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जो एग्जीक्यूशन होता है डिक्री का इसके ऊपर भी रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है एक्सप्लेनेशन एट। इसमें सिंपली अगर मैं आपको बताऊं ये बोला गया है कि भाई मान लो कोई मैटर जो था वो एक कोर्ट में गया, ठीक है, और एक लैंड थी उस टाइम पर उसकी वैल्यू थी 6,000 रुपीज, और वो कोर्ट क्या है लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन वाली कोर्ट है, और उस टाइम पर इस मैटर को सुनने के लिए और इसके ऊपर डिसीजन देने के लिए क्या थी ये कोर्ट क्या थी कॉम्पिटेंट थी।
और इसने क्या कर दिया, डिसीजन दे दिया। बाद में पता चला कि इस लैंड की क्या थी, कीमत हो गई 60,000 रुपए हो गए। अब इसको सुनने के लिए कोर्ट क्या नहीं थी, वो कॉम्पिटेंट नहीं थी। बाद में ऐसा हुआ ना, कीमत बढ़ गई, तो इस चीज के ऊपर भी बोला गया है कि रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा, यानी कि एक्सप्लेनेशन 8 में बोला गया है कि रेस जुडिकेटा लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन वाली कोर्ट के ऊपर भी अप्लाई होगा। तो दोस्तों ये थी आपकी सेक्शन 11 की सारी एक्सप्लेनेशन। अब अगर मैं आपको बताऊं कि जो रेस जुडिकाटा है उसकी क्या आधारशिला है और क्या महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है रेस जुडिकाटा प्रिंसिपल के, आपने सीआरपीसी में पढ़ा होगा सेक्शन नंबर 300, तो वो थोड़ा थोड़ा सिमिलर है रेस जुडिकाटा से। और अगर हम बात करें कि रेस जुडिकाटा का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो दोस्तों इस डॉक्ट्रिन का ऑब्जेक्टिव डिपेंड है 3 रोमन मैगजीन्स के ऊपर, जिसमें से पहला है नेमो देबे लिक्स विक्सारी प्रो उनो इदम कौजा, जिसका मतलब होता है कि भाई एक पर्सन को एक से ज्यादा बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए सेम कॉज के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट लीगल मैगजीन की, तो वो ये है इंटरेस्ट रिपब्लिक का उत्सित विनिस लेतियो, जिसका मतलब है कि भाई ये स्टेट के इंटरेस्ट में है, राज्य के हित में है कि भाई जो लिटिगेशन है उनका क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए। यानी कि एक बार मैटर डिसाइड हो गया तो दोबारा से अगर लिटिगेशन लाया जाएगा, सूट फाइल किया जाएगा, तो इससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा कोर्ट का और ये राज्य के हित में नहीं होगा। तो इसलिए राज्य के हित में है कि जो लिटिगेशन है वो क्या होनी चाहिए, एंड होनी चाहिए, वो खत्म हो जानी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों इस का ऑब्जेक्टिव, यानी कि नेक्स्ट रोमन मैग्जिम है जिसके ऊपर आधारित है रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल, वो है रेस जुडिकाटा प्रोवर्तियाते ओचिपितर, जिसका मतलब है कि भाई जो कोर्ट का डिसीजन है उसको क्या माना जाना चाहिए कि भाई वो करेक्ट है, यानी कि डिसीजन ऑफ द कोर्ट शुड बी एडजर्ड एज ट्रू। तो ये 3 मैगजीम है रोमन मैगजीन जिनके ऊपर आपका रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल बेस है, आधारित है, और रेस जुडिकाटा का ऑब्जेक्टिव ये बताते हैं आपके तीनों के तीनों मैगजीन। इन तीनों मैगजीन को आपने अच्छे से नोट कर लेना है, इनका मीनिंग क्या है अच्छे से आपने इनको याद कर लेना है। अब दोस्तों नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि भाई ये रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल किन किन चीजों के ऊपर अप्लाई होता है, तो आप इसको नोट कर लो। फर्स्ट तो आपको पता ही है सिविल के ऊपर तो अप्लाई होता है, एंड क्रिमिनल प्रोसीजर के ऊपर भी अप्लाई होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर जो होता है, और आपका एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग आपने पढ़ा अभी, हमने सेक्शन एक्सप्लेनेशन 7 में हमने पढ़ा, जिससे हमें क्लियर हो गया कि ये आपका जो रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल है वो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के ऊपर भी अप्लाई होता है। अब तीसरी चीज ये आती है कि भाई ये रिट पिटीशन के ऊपर अप्लाई होता है या नहीं होता है, तो इससे रिलेटेड एक केस है दरियाव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये आपका 1961 का केस है, बहुत महत्वपूर्ण केस है, आपका प्री में बहुत पूछा जाता है कि ये केस किस से संबंधित है। तो ये सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी यानी कि रेस जुडिकाटा पूर्व न्याय से संबंधित केस है। और एक और चीज पूछी जाती है कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा से जो संबंधित केस मैंने आपको बताया है ना, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन 1977 का केस, ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। ये पूछा जाता है कि ये स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन का केस जो है ये किस चीज से संबंधित है, तो आपने ध्यान रखना है कि एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 11 से ये संबंधित केस है। तो अब हम बात करते हैं दरियाव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस की, 1961 का केस। इस केस में क्या होता है, जो पिटिशनर था उसने रिट पिटिशन फाइल किया था अंडर आर्टिकल 226, कहाँ पर, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जो कि डिसमिस हो गया था। फिर उसने फर्दर रिट पिटिशन, दोबारा से एक रिट पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 डाला, और सेम रिलीफ के लिए सेम ग्राउंड पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया, उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया, और जो हाई कोर्ट का कंटेंशन था उसको अपहेल्ड करते हुए कहा कि भाई जो ये आपका रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल है ये अप्लाई होता है रिट पिटीशन के ऊपर भी, यानी कि ये आपका रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 अंडर आर्टिकल 226 इनके ऊपर भी अप्लाई होता है। लेकिन इन्होंने साफ क्लियर कर दिया इस केस में कि भाई
ये जो आपका रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल है, ये हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट होता है, याचिका होती है, रिट को हिंदी में याचिका कहते हैं, इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। तो ये बहुत बार प्री में पूछा जाता है कि भाई ये जो आपका रेस जुडिकाटा है वो कौन से रिट के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। तो आपने इसको दिमाग में अच्छे से फिट कर लेना है कि ये इस रिट के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। और दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किन किन पार्टीज के ऊपर रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई होता है, तो दोस्तों प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट के ऊपर तो अप्लाई होता ही होता है, और आपका को डिफेंडेंट्स के ऊपर अप्लाई होता है, को प्लेंटिफ्स के ऊपर अप्लाई होता है। बाकी हम डिस्कस कर चुके हैं, रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32, 226 सब में अप्लाई होता है, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के ऊपर भी अप्लाई होता है, ये हमने पढ़ लिया था आपका एक्सप्लेनेशन 7 में। और रिप्रेजेंटेटिव सूट्स के ऊपर अप्लाई होता है, हमने पढ़ लिया ये आपका एक्सप्लेनेशन 6 में। तो ये आपका, हमने बहुत सारी चीज़ें आज इस वीडियो में रेस जुडिकेटा से संबंधित कंप्लीट कर ली हैं। फिर भी अगर कुछ चीज़ें, जैसे कि अगर आपको निकालना है कि क्या क्या इसके इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आप खुद इस सेक्शन को, जो सेक्शन 11, इसको डिवाइड करके लिख सकते हो, तो वो हो जाएंगे आपके इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 11। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये जो रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल है, इसके क्या कारण है, क्यों ये मतलब लाया गया प्रिंसिपल, तो वो तीन मैगजीन जो मैंने आपको बताया कि नेमो देबेल लिक्स सारी प्रोनोदियम कॉजा, ये आप लिख कर आ सकते हो, यानी कि नो मैन शुड बी वैक्स ट्वाइस फॉर द सेम कॉज, और रेस जुडिकाटा प्रो वर्तियाते ओक्किपितर, जो हमने पढ़ा कि भाई जुडिशियल डिसीजन जो होता है वो क्या होना चाहिए, वो एक्सेप्ट किया जाना चाहिए ऐसे कि वो करेक्ट है। और एक हमने पढ़ा था रोमन मैगजीन, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये जो है आपका स्टेट उसके इंटरेस्ट में है कि लिटिगेशन का क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए। तो ये आप लिख कर आ सकते हो कि रेस जुडिकेटा का क्या रीजन है, क्यों ये लाया गया प्रिंसिपल, तो ये इसका रीजन है। और लास्टली आप रेस जुडिकाटा को बहुत शॉर्ट टर्म में ये लिख सकते हो कि रेस जुडिकाटा का मतलब होता है ये एक रूल है ऑफ कंक्लूसिवनेस ऑफ जजमेंट, तो ये आप लिख कर आ सकते हो। तो दोस्तों, ये था आपका रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल जो आज इस वीडियो में हमने कवर किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इस वीडियो को अच्छे से फैला दो। और दूसरी चीज़, इसमें बहुत सारे ऐसे केस लॉज हैं जो मतलब इम्पॉर्टेंट, मतलब अच्छे हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो मैंने एनालाइज किया है ये दो केस ही पूछे जाते हैं, दरियाव सिंह का केस हो गया और एक यूपी वर्सेस नवाब हुसैन का केस, इसके अलावा और ज्यादा केस नहीं पूछे जाते हैं। तो आप इन दोनों केसेस के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, बाकी इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।